नमस्कार दोस्तों, आपका अपना अजीज दोस्त डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। दोस्तों, आलस्य से बुरी कोई चीज लाइफ में नहीं है, और जिसने आलस्य किया ना, उसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। समय उसके पास से निकल जाता है, और काज जो विशेषकर उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि कल कर लेंगे काम को, आज क्या है, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी नहीं, अभी दो घंटे बाद कर लेंगे, दो घंटे नहीं, अभी तीन घंटे बाद कर लेंगे, वो इंसान कभी जिंदगी में सुखी रह नहीं सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता, अपने मंसूबों को, अपने जो सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। मैं एक बहुत लोक कथा के जरिए आपको बताने की कोशिश करता हूं। पुराने समय में जब आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, तो वहां गुरु होते थे, गुरुकुल था, उसमें कई शिष्य रहते थे, और गुरु जो वहां थे वो बहुत विद्वान हुआ करते थे। उनका एक शिष्य भी था, वो बहुत आलसी था, और उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ सका। हमेशा आज का काम कल पर टाल देता और कल का फिर आगे टाल देता। अब गुरुजी ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने सोचा और उपाय की निकाला। एक दिन गुरु उस आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, यह पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास दो ही दिन है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूं और दो दिन बाद आश्रम लौट कर आऊंगा, तब मैं तुमसे पत्थर वापस ले लूंगा, और इस पत्थर से तुम लोहे की जितनी भी चीजों को स्पर्श करोगे वो सब सोने की बन जाएगी। अब गुरुजी पारस पत्थर देकर आश्रम से चले गए, और आलसी शिष्य के मजे हो गए कि जिंदगी के अंदर बहुत कुछ मिल गया, कि अब तो जिसके इस लोहे के हाथ लगाएंगे सब सोना बना लेंगे, इतना बना लेंगे जिंदगी काम निकल जाएगी, दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। दो लेकिन उसके दिमाग में आया कि दो दिन का वक्त दिया है, और अब तो दो दिन है मेरे पास, एक दिन आराम करता हूं, अगले दिन सोना बना लेंगे, सोचकर वह सो गया। पूरा दिन पूरी रात आराम करने के बाद जब वो उठा अंगड़ाइया लेते हुए, तो उसने सोचा आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और फिर सोना बनाना है, लेकिन ऐसे करते हैं, इससे पहले खाना खा लेते हैं और फिर जाएंगे करने, देखें। उसने जमकर खाना खाया, और खाना खाने के बाद नींद आने लग गई। फिर सोचा उसने कि चलो कुछ देर सो भी लेते हैं, सोना बनाने का काम तो बहुत छोटा है, शाम को कर लेंगे, और उसे नींद आ गई। और जब नींद खुली तो सूर्यास्त हो चुका था, और जब वो नींद से जागा तो सामने देखा तो गुरुजी लौट आए। अब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अब रात हो चुकी, दो दिन पूरे हो गए, अब वह पारस पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे समझ आ गया कि समय मूल्यवान है, इसे आलस्य से बर्बाद नहीं करना चाहिए था मुझे, और मेरे पास से सब कुछ होते हुए सब कुछ निकल गया। दोस्तों, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, आज के काम को कल पर टालना बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना बाद में आपके पास सिर्फ पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। और तय आपको करना है कि समय की कीमत आपको समझनी है कि नहीं समझनी है, और यदि आप समय की कीमत नहीं समझते तो समय आपको ऐसा समझाएगा कि जिंदगी भर याद रखोगे आप। अब जिंदगी बदलनी है आपको तो तय करो, आलस्य को छोड़ो, समय का वेटेज दो, समय को बहुत कीमती समझो, उसके अनुसार ही अपने सारे काम करो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी आपकी, तय आपको करना है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।